हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वीडियो आप देख चुके होंगे और देख भी लिए हैं, मुझे ऐसा पता है। तो चलिए, मैं आगे का टॉपिक चालू करने वाला हूं जिसका नाम है दूरदर्शक। दूरदर्शक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, सबसे पहले हेडलाइन देते हैं दूरदर्शक। दूरदर्शक दूरदर्शक का मतलब होता है टेलीस्कोप। दूरदर्शक क्या है? इसके नाम से ही स्पष्ट है कि दूर की स्थित की वस्तुओं को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं दूरदर्शक। वह यंत्र जिसका उपयोग दूर की स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? दूरदर्शक बोलते हैं, टेलीस्कोप बोलते हैं। अब आपको ये बात समझना पड़ेगा कि दूरदर्शक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दूरदर्शक का एक सिद्धांत है दर्शन कोण का मान बढ़ाना, विजुअल एंगल का मान बढ़ा देता है। तो विजुअल एंगल दर्शन कोण मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर जो कोण बनता है उसी को क्या बोलते हैं, बोलिए तो दर्शन कोण बोलते हैं। दर्शन कोण बोलते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। दर्शन कोण का मतलब होता है विजुअल कोण, विजुअल एंगल। तो वह कोण जो किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाया जाता है उसे बोलते हैं दर्शन कोण। एनी एंगल विच इज सब्सटेंडेड बाई द ऑब्जेक्ट ऑन द आई दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल, दर्शन कोण। वह कोण जो किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बोले तो दर्शन कोण बोलते हैं। तो आप याद रखिए, किसी वस्तु का दर्शन कोण का मान जितना भी बड़ा होगा, जितना ही बड़ा होगा वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही क्या हो जाएगा, बोले तो यहाँ पर बड़ा बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, वस्तु नजदीक ला दिए तो प्रतिबिंब क्या हो गया, बोलिए तो इसके अपेक्षा प्रतिबिंब की स्थिति देखिए बढ़ गया ना। ये वस्तु है और एक क्या हो गया, बोले तो प्रतिबिंब हो गया। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, अल्फा का मान यहाँ बढ़ गया है, जैसे ही दर्शन कोण का मान हम बढ़ाते हैं, दर्शन कोण का मान बढ़ाते हैं, वैसे ही प्रतिबिंब क्या हो जाता है, बड़ा बड़ा बनने लगता है। तो दूरदर्शक वास्तव में किस सिद्धांत पर काम करता है? एक सिंपल सिद्धांत पर काम करता है, दर्शन कोण बढ़ाने के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे हम किसी वस्तु के पास जाते हैं दर्शन कोण का मान बढ़ जाता है और वस्तु बड़ी दिखाई देने लगती है। आप ऐसे देखेंगे कभी कभी, मैंने अपने ज़िंदगी में एक बार ऑब्जर्व किया था, मैं गाड़ी से जा रहा था, ऐसे तो बहुत बार होते रहता है, गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी जा रही थी, तो मैंने देखा कि सामने टावर की दिशा में हम लोग जा रहे थे, तो देखे कि टावर की ऊँचाई धीरे 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 बढ़ रही है। तो हमने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो लेकिन देखिए ऐसा क्यों हो क्यों रहा था। जैसे जैसे हम टावर के नज़दीक जा रहे थे, टावर की ऊंचाई ऐसा लग रहा है कि ऊंचाई बढ़ रही है उसका। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे जैसे हम लोग पास जा रहे हैं दर्शन कोण का मान आँख पर बढ़ रहा था, दर्शन कोण के बढ़ने के कारण टावर और ऊंचा दिखाई दे रहा था। तो ये बात है, ठीक है। चाहे आपने ऑब्जर्व ये भी किया होगा कि जब कोई व्यक्ति दूर खड़ा होता है तो एक छोटा सा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं तो वो थोड़ा बड़ा दिखता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण भी क्या है, बोलिए तो दर्शन कोण। दर्शन कोण का मान बड़ा तो प्रतिबिंब बड़ा, दर्शन कोण का मान छोटा तो प्रतिबिंब क्या, बोलिए तो छोटा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ लिए होंगे। तो चलिए डेफिनेशन समझते हैं। दूरदर्शक किसे कहते हैं? वह, ऐसे लिखिएगा आप लोग, वह प्रकाशीय यंत्र जिसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने में किया जाता है, जिसका उपयोग बहुत मतलब 25 सेंटीमीटर से दूर अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है उसे बोलते हैं दूरदर्शक। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी फार ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड टेलीस्कोप। तो वह यंत्र जिसका उपयोग दूर की स्थित वस्तुओं को देखने में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बोलिए दूरदर्शक बोलते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। देखिए, दूरदर्शक कितने तरह के होते हैं आपको समझ में आना चाहिए। दूरदर्शक दो प्रकार के होते हैं, मेनली ध्यान दीजिएगा। एक होता है अपवर्तक दूरदर्शक, अपवर्तक दूरदर्शक, अपवर्तक दूरदर्शक रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप मैंने अपवर्तक दूरदर्शक, दूसरा होता है परावर्तक दूरदर्शक, परावर्तक दूरदर्शक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो आप अच्छी तरह समझ गए कि दूरदर्शक भी दो प्रकार का होता है, अपवर्तक दूरदर्शक होता है, दूसरा क्या होता है, बोलिए तो परावर्तक दूरदर्शक होता है। वह दूरदर्शक जो अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है उसको बोलते हैं अपवर्तक दूरदर्शक। जिस दूरदर्शक में परावर्तन की घटनाएं होती है, जिसमें दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं परावर्तक दूरदर्शक। इसको न्यूटोनियन दूरदर्शक भी बोला जाता है क्योंकि न्यूटन ने इसका आविष्कार किया था परावर्तक दूरदर्शक का, ठीक है।
तो अपवर्तक दूरदर्शक में क्या होता है, बेसिकली प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। इसमें भी कंडीशन देखा जाता है अपवर्तक दूरदर्शक में, जब वस्तु स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर फाइनल प्रतिबिंब बनता है तब अपवर्तक दूरदर्शक की आवर्धन क्या होता है, जब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर न बन के अनंत पर प्रतिबिंब बनता है तो ऐसी स्थिति में इसका आवर्धन क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए हम सबसे पहले हेडलाइन देते हैं अपवर्तक दूरदर्शक, ठीक है। अपवर्तक दूरदर्शक क्या है, सिंपल है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखिए स्टूडेंट, अपवर्तक दूरदर्शक किसे कहते हैं और इसका डेफिनेशन सबसे पहले आप लिखिएगा कि वह दूरदर्शक जिसका उपयोग मतलब दूर की वस्तुओं को देखने में तो किया ही जाता है, लेकिन जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, चाहे वह दूरदर्शक जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसमें लेंसों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसे बोलते हैं अपवर्तक दूरदर्शक। अपवर्तक दूरदर्शक में मुख्य रूप से अपवर्तन ही होता है, यह प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। तो वह दूरदर्शक जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर आधारित है उसे बोलते हैं अपवर्तक दूरदर्शक, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये बात आप लिख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अपवर्तक दूरदर्शक का मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको चित्र ड्रॉ करने आना चाहिए। चलिए ये अभिदृश्यक हो गया और ये हो गया नेत्रिका। ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक रड होता है जो दोनों लेंसों को जोड़ता है, जिसे क्या बोलते हैं, बोलिए तो नलिका बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए, चूँकि वस्तु यहाँ पर काफ़ी दूर होती है इसलिए यहाँ पर जा रहा है, बस यहाँ से किरण लेते हैं, किरण यहाँ से समानांतर आती हैं और यहाँ से दूसरे लेंस से अपवर्तित होती है, फिर एक किरण जाती है जो सेंटर से होके जाती है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ से अपवर्तित होती है तो फिर इधर चली जाती है, तो यहाँ पर ये वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं, पीछे की तरफ मिलाते हैं तो कहीं वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, किरण यहाँ पर कट रही है तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, ए डैश बी डैश बनता है, और यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु होता है यहाँ पर क्या बोलिए तो ए बी होता है। तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब सर्वप्रथम कहाँ बनता है, ए डैश बी डैश के द्वारा बनता है, और ये वस्तु चूंकि अनंत पे है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बोलिए तो एफ ओ पर बनेगा, और यहाँ से इसकी ये यू ई हो गया, यह नेत्रिका के लिए वस्तु दूरी हो गया। तो ये डबल डैश लिख देते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फिगर आप ड्रॉ कीजिएगा ऐसे, यहाँ पर कोण जो बन रहा है वो बीटा है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है क्या बोलिए तो अल्फा हो गया। तो अपोजिट एंगल एक दूसरे क्या होता है, बराबर होता है, जब यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, अल्फा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है बोलिए तो बीटा है, ये बात याद रखिएगा, थोड़ा फिगर समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है बोलिए तो बीटा है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर आते हैं मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर बोलिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलिए या आवर्धन क्षमता बोलिए, एक ही बात है। तो आवर्धन क्षमता इज इक्वल टू, हम अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है बोलिए तो बीटा बाई अल्फा होता है, और टेन बीटा भी लिख सकते हैं और फिर क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल बहुत छोटा होता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, यहाँ पर सेंटर का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर सेंटर हो गया, हम इसका नाम लिख देते हैं, इस सेंटर का नाम ओ वन लिख देते हैं, इसके सेंटर का नाम, ठीक है, ओ वन है सेंटर, और इसके सेंटर का नाम क्या लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, सिंपल है, केवल फिगर से आप अच्छी तरह से बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए, टेन बीटा इस ट्रायंगल में चलते हैं, ओ डैश ए डैश बी में, तो यहाँ पर टेन बीटा लेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा बोलिए तो ए डैश बी डैश, और आधार क्या हो जाएगा बोलिए तो यू ई, और बाईं तरफ है तो वस्तु दूरी हमेशा मतलब बाईं तरफ होता है तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा बोलिए तो माइनस हो जाएगा। और फिर देखिए, टेन अल्फा इस ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है, तो इसका लंब देखिए, लंब वही है ए डैश बी डैश, लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, और आधार, आधार यहाँ से यहाँ तक एफ ओ है, एफ ओ क्यों है, कहेंगे वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर कैसे बन रहा है, अभिदृश्यक के फोकस पर ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर दूरदर्शक का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने में किया जाता है, तो अनंत पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, तो इसका वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, एफ ओ फोकस, एफ ओ हो जाएगा, तो ए डैश से बी डैश काट देंगे, फिर ये नीचे वाला सबसे कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, एफ ओ हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बोलिए तो यू ई हो जाएगा। तो देखिए, आवर्धन का एक सिंपल छोटा सा एक फॉर्मूला निकल के आ गया, यहाँ पर लिख दीजिए एम इज इक्वल टू
माइनस एफ हुआ बटा में क्या हो गया बोलिए तो ई का मतलब होता है नेत्रिका की वस्तु दूरी। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब इसी में केस वन और केस टू हम लोग पढ़ लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है, खगोलीय दूरदर्शक में या दूरदर्शक में या अनंत पर बनता है, ऐसी स्थिति में क्या करना है। तो चलिए केस वन हम लोग लेते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि m इज इक्वल टू आपको माइनस एफ ओ बटा यू, ये आपको इतना पता होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, सिंपल तरीके से हम बना देंगे। केस वन हम लेते हैं जब वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, मतलब डी पर बने, 25 सेंटीमीटर पर बने। देखिए जब फाइनल प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बने मतलब डी पर बने, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट ये बात समझिए, नेत्रिका के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यू ई वस्तु दूरी कितना है बोलिए तो यू ई, यू बराबर में क्या है यू ई है, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी यहाँ पर क्या है, फाइनल प्रतिबिंब डी पर बनता है डी, वस्तु प्रतिबिंब लेंस के बाईं तरफ है इसलिए क्या हो जाएगा बोलिए तो माइनस में हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी फोकस तो दाहिने तरफ हो गया, फोकस क्या होती है बोलिए तो उत्तल लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है। अब लेंस सूत्र से देखिए क्या करते हैं, वन बटा भी माइनस वन बटा यू इज इक्वल टू क्या करते हैं वन बाई एफ। वन बटा भी का मान कितना है बोलिए तो माइनस डी है, वन बटा यू का मान क्या है माइनस में यू ई है, बोलिए वन बटा एफ का मान कितना है एफ ही है। तो देखिए स्टूडेंट हमको चाहिए वन बटा यू ई का मान चाहिए, तो माइनस प्लस वन बटा यू, वन बटा एफ ही अब प्लस वन बाई क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर वन बटा एफ ही आप कमन कर लीजिए, वन बटा एफ ही कमन करेंगे तो टोटली कमन तो एक बचेगा, और यहाँ पर देखिए नीचे एफ ही है अपने कमन के, नीचे एफ ही नहीं है तो ऊपर एफ ही देना पड़ेगा, तो एफ ही हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा डी। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर आ जाएगा, फिर एफ ही से एफ ही कैंसिल होकर वन बाई डी आ जाएगा। तो ये बात समझिएगा, तो इक्वेशन नंबर इसको मानते हैं हम एक। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, हमें स्टूडेंट जानते हैं m इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एफ ओ बटा यू, माइनस एफ ओ हो गया, ठीक है। वन बटा यू का मान देखिए ऑलरेडी आया है वन बटा एफ ही, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस यूज कर दीजिएगा, तो वन बटा एफ ही, वन प्लस एफ ही बाई क्या हो जाएगा बोलिए तो d। इसी को सजा के आप लिख सकते हैं माइनस एफ ओ बटा एफ ही वन प्लस एफ ही बाई डी, यही आवर्धन का आ गया, दूसरा फॉर्मूला आ गया। जब वास्तव में मतलब अंतिम प्रतिबिंब जो होता है खगोलीय दूरदर्शक में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बटा एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी। सरल सूक्ष्मदर्शी में हमने पढ़ाया था m इज इक्वल टू वन प्लस डी बाई एफ। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा याद करने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि उल्टा बोल देता है लोग यहाँ पे स्टूडेंट, लेकिन देखिए a माइनस एफ ओ बटा एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी होता है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए केस वन था जब खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब केस दो पढ़ते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने, ठीक है। केस टू चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया बोलिए तो माइनस में एफ ओ बटा एफ ही वन प्लस एफ ही बाई डी। चलिए इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं। केस टू में हम देखते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब, व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटिव, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटिव, जब फाइनल प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो देखिए इसमें चित्र में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, सिंपल तरीके से बना सकते हैं आप। और देखिए जो ए डैश बी डैश बनेगा इसको खसका के और इसके फोकस पे ला देंगे, एफ ही के फोकस पे ला देंगे, इसको इधर उधर एडजस्ट कर लेंगे और इसको कहाँ पर लेके चले आएंगे बोलिए तो इसके फोकस पे, इसका जो प्रतिबिंब है अभिदृश्यक का जो प्रतिबिंब है इसके इसके फोकस पे ले आकर रख देंगे स्टूडेंट, ये बात ध्यान से रखिएगा, इसके फोकस पे लेकर रख देंगे। तो जैसे ही इसके फोकस पर रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा बोलिए तो अनंत पे बन जाएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी उत्तल लेंस के फोकस पर अगर किसी वस्तु को या प्रतिबिंब को रखेंगे तो उसका फिर वो प्रतिबिंब बनाएगा, कहाँ पर बनाएगा बोलिए तो इन्फिनिटी पर बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब यू बराबर में क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए केस टू के लिए हम लोग देख लेते हैं, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं,
एम इज इक्वल टू माइनस में एफ ओ बचा एफ ही वन प्लस एफ ही बाई क्या जानते हैं बोलिए तो डी जानते हैं, और यहाँ पर डी का मान पुट कर दीजिए माइनस इन्फिनिटी, बस सिंपल तरीके से बन जाएगा। माइनस एफ ओ बटा क्या हो जाएगा बोलिए तो एफ ही, वन प्लस एफ ही का मान कितना है बोलिए तो एफ ही का मान एफ ही है, इसका माइनस इन्फिनिटी रख दीजिए ठीक है। माइनस इन्फिनिटी वन बाई माइनस इन्फिनिटी माइनस जीरो, तो वे में से जीरो घटेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस एफ ओ बटा एफ ही वन प्लस में जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो प्लस जीरो एक ही बात है, माइनस एफ ओ बटा क्या हो जाएगा बोलिए तो एफ ही है। तो आप देख रहे हैं कि m इजकल टू कितना आ गया, माइनस एफ ओ बटा एफ ही आ गया, जो वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है बोले तो अनंत पर बनता है। तो माइनस एफ ओ बटा एफ ये बताता है निगेटिव चिन्ह की वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब क्या बनता है, निगेटिव बनता है। तो m इजकल टू तीन फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया बोले तो माइनस एफ ओ बटा एफ ही हो गया। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि खगोलीय दूरदर्शक या दूरदर्शक में जो बनता है अंतिम प्रतिबिंब उल्टा होता है, और खगोलीय दूरदर्शक या दूरदर्शक में खगोलीय दूरदर्शक देखिए एक ही बात है जिसका उपयोग आकाशीय पिंडों को देखने में किया जाता है, तो इसलिए दोनों के अर्थ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बटा एफ ही यहाँ पर है, माइनस एफ ओ बटा एफ ही वन प्लस एफ ही बाई डी, जब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु हो डी पर हो, और ये जब वस्तु कहाँ पर हो बोलिए तो अनंत पर हो। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि जो दूरदर्शक होता है वास्तव में जिसका उपयोग दूर के वस्तुओं को देखने में किया जाता है, और खगोलीय दूरदर्शक ऐसा दूरदर्शक है जिसका उपयोग आकाशीय पिंडों को देखने में किया जाता है। तो खगोलीय दूरदर्शक का जो अंतिम प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, उल्टा होता है, इसलिए उसके आवर्धन में कैसा चिन्ह आता है बोले तो निगेटिव चिन्ह आता है। और आपको ये व्यंजक अच्छी तरह से याद हो तो आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बना सकते हैं ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें देख के खगोलीय दूरदर्शक में ऐसे भी पूछ सकता है कि जब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु रखी गई हो तो उसका आवर्धन क्या होता है, तो ये आवर्धन होता है, और जब वस्तु अनंत पर बनता है तो आवर्धन का मान क्या होता है, तो माइनस एफ ओ बटा एफ ही। न्यूमेरिकल भी आप तभी बना सकते हैं जब आपको कंडीशन समझ में आना चाहिए ठीक है, तभी तो आप यूज कर पाएंगे कि अनंत की स्थिति में क्या यूज करें, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम की स्थिति में क्या यूज करें। तो सबसे पहले ये बात याद कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों में। ओके थैंक यू।